नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ Hyundai Ioniq का एक बहुत ही सुंदर व्हील कैप का। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। इसका पैकेज देख लीजिए ऐसा है। इसका दाम है 1400 और इसका रिव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको खरीदा। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो देखिए निकलने वाला है ये नया व्हील कैप। ये देखिए तो हो गया एक व्हील कैप, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा और ये स्प्रिंग वायर्स जो टायर पे फिट होगा। तो इसको निकालते हैं पॉलिथीन से। तो देखिए निकल चुका है और ये मुझे बहुत स्टाइलिश लग रहा है। अभी मेरा कार का नया ही लुक आने वाला है। तो टायर पे फिट होने के बाद ऐसा दिखेगा और जब टायर रनिंग होगा ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो नट जैसा है ये नट बोल्ट नहीं है, ये ऐसा है, देखने में लगता है ये नट बोल्ट है। एक्चुअली नट बोल्ट वाला मिलता है लेकिन वो टूट जाता है, जब नट बोल्ट टाइट करते हैं टायर में तो टूट जाता है, तो इसीलिए वो मत खरीदिए, ऐसा ही खरीदिए। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, आपको मैं यही रिकमेंड करता हूँ। और इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। तो चलिए अभी इसको फिट करते हैं कार पे। तो अभी मैं इस व्हील कैप में ये जो वायर दिया है वो लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए इसके अंदर से इसको डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको डाल लिया है अंदर से, तो ये हो गया। तो अभी इसको लगाना है आपके व्हील पे, और लगाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा कुछ ऐसे प्लास्टिक टाई का, क्योंकि लगाने से ये बाई चांस कभी निकल नहीं जाएगा। वैसे भी ये नहीं निकलता है लेकिन ये लगाने से आप श्योर हो जाएंगे कि ये कभी नहीं निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाता है, 2-3 रुपया लेता है एक का। तो चलिए इसको लगाते हैं अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये Ioniq का इरा प्लस मॉडल है जिसमें व्हील कैप नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, जो व्हील है उसको मैंने ब्लैक कलर में पेंट किया है, ये फ्रंट वाला और ये पीछे वाला। तो अभी मैं लगाने वाला हूँ, एकदम आसान है, आपको सिर्फ यहाँ पे लगा के ढकेलना है अंदर। तो एक लग चुका है। तो अभी मैं लगाने वाला हूँ पीछे के व्हील में। तो ये भी आसान है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो व्हील कैप है ये Hyundai Ioniq के लिए है, साथ ही Alto 800 के लिए भी होता है। मतलब इसका साइज है 12 इंच का। तो 12 इंच का अगर आपका कार में व्हील कैप लगता है तो ये फिट हो जाएगा। अभी आप ये प्लास्टिक टाई आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगा देता हूँ तो ये निकलेगा नहीं कभी भी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पहले से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीछे का भी अच्छा लग रहा है। तो अभी बारी है कार को थोड़ा सा चलाने का, तो अभी आपको चला के दिखाते हैं कि रनिंग में ये कैसा लगता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका काम का रहा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइप का यूज़फुल वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।